हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है गॉर्जियस लाइफ ऑफ अर्चना। तो आज की वीडियो में एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये ब्लॉग मैंने अर्ली मॉर्निंग तो नहीं स्टार्ट किया, टाइम हुआ है 12 o'clock। और अभी अभी जो है वो हमने कल जो था वो ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी, तो फिर उसे मैंने एक दिन के लिए वैसे ही बाहर ही रहने दिया। वैसे तो मॉल वगैरह में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन होती है, बट फिर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैं इन्हें एक दिन के लिए बाहर ही रहने देती हूँ। और मैं अब थोड़ी सी किचन की सेटिंग करके जो एक्स्ट्रा सामान बाहर है उसे अपनी जगह पे रखूँगी और सामान को मैं लेके आऊँगी। बहुत ही जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ गया है, गर्मी भी हो गई है, तो मैं सबसे पहले जो है वो डोर वगैरह जो बंद कर दूँगी। इससे क्या होता है कि थोड़ा घर जो है वो ठंडा हो जाता है। तो उसके बाद जो है मैं जो अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग है उसे स्टोर करूँगी। तो चलिए मेरे साथ। और अगर आप क्या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले रहे हैं इस पीरियड के ड्यूरिंग, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो मैं बाहर रखती हूँ सामान को और फिर सैनिटाइजेशन जो है वो कर लेती हूँ। और अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की टिप है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो सामान ड्राई है उसे तो नहीं सैनिटाइजेशन हो सका, जो पैकेट में आता है उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, तो साबुन के साथ ही वॉश कर लिया था। जो बट गीले होने वाली जैसे दालें वगैरह हैं जो पेपर में पैक होके आती हैं उसे मैंने सैनिटाइजेशन उनका नहीं किया। तो इनको स्टोर करने के बाद भी मैं हाथ को सैनिटाइज कर लूँगी। मैं इस तरह के डब्बों में पैकिंग करती हूँ। मैंने पहले भी एक ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर की है कैसे मैं अपने घर के जो सामान को मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो वो आई बटन आप पे उसका लिंक मैं छोड़ दूंगी। सारी ग्रॉसरी को स्टोर करने के बाद एक मैं अलग से आपको एक टिप दे रही हूँ। जैसे कि सब घर में ही है तो सामान भी रोज़ कपड़े धुलते हैं, रोज़ ही घर में बच्चे होते हैं तो मैस होता रहता है, तो मैं आपको इसमें चार जो है वो वेज बताऊँगी टी शर्ट को फोल्ड करने के, ताकि जो आपका ड्रॉर वगैरह है वो भी ऑर्गेनाइज रहें और सामान भी जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे, कम स्पेस ले, और आपकी जो वार्डरोब है वो अच्छे से क्लीन लगे, ऑर्गेनाइज्ड लगे। ये चार जो है वेज है हाउ टू फोल्ड टी शर्ट, ये वे नंबर वन है।
इतनी अच्छी तरह से पैकिंग हो जाती है और ये काफ़ी जो है स्पेस कम लेती है और आपके ड्रॉर वो ऑर्गेनाइज लगते हैं। जल्दी से मैं जो है वो कपड़ों वगैरह को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँगी। किड्स की क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो वो अपनी क्लासेस में बिज़ी हैं और उनका क्लास में थोड़ा सा ब्रेक मिला था, तो वो उनकी डिमांड हुई है कि आज हम कोई वेजिटेबल वगैरह नहीं खाएंगे, तो आज हम पास्ता खाएंगे। तो मैं उसके बाद जो है पास्ता की प्रेपरेशन करने को लग गई। मैंने सबसे पहले पतीले में पानी लेके, खूब सारा पानी मैंने इसमें ऐड किया है, तो उसमें मैं अब जो ये पेने पास्ता है उसे बॉईल होने के लिए डाल दूँगी। जब तक कि पास्ता बॉईल होता है तब तक मैं जो है इसके जो तड़के की जो है एक्स्ट्रा जो वेजिटेबल डालनी है उसकी प्रेपरेशन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, ये मैंने थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई ली है। इसमें क्या होता है कि अच्छे से जो मसाला और पास्ता है वो मिक्स हो जाता है। पैन में सबसे पहले मैंने ऑयल डाल लिया है, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने ये चॉप्ड जो है वो प्याज डाल दिए हैं। इसे अब मैं थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा इसे मैं मिक्स कर लूँगी। इसे हमने ज़्यादा जो है प्याज को नहीं पकाना, इसको थोड़ा सा मैंने ट्रांसपेरेंट ही होने के लिए रखा है। इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी, प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद में अब मैं चॉप जो है वो कैप्सिकम इसमें डाल दूँगी। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो किड्स तो आपको पता ही है थोड़ा वेजिटेबल खाने में भी थोड़ा सा नखराई करते हैं, तो मैं जो है वो कैप्सिकम डाल रही हूँ, प्याज डाले हैं, और उसके बाद मैं अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये फ्रोज़न कॉर्न। ये मेरे बच्चों के फेवरेट है और मेरे भी कॉर्न जो है वो फेवरेट हैं, इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। लॉकडाउन का और COVID-19 का एक सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हम लोग जो है वो बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करते, और घर का हेल्दी तो चलो कभी कभी अनहेल्दी भी खा लेते हैं, बट ये होता है कि आपकी आंखों के सामने बना होता है और आपको पता होता है कि आपने इसमें कौन सा ऑयल यूज़ किया है, कौन सा सॉस यूज़ किया है, तो ये इसका बेनिफिट हो गया है। मैं अब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए थोड़े से कुक कर लूँगी, ज़्यादा कुक नहीं करने। कैप्सिकम जो है वो क्रंची ही अच्छी लगती है, ज़्यादा पक जाए तो वो पास्ते में अच्छी नहीं लगती। 2 से 3 मिनट के बाद मैं चेक कर लूँगी कि हमारी जो कैप्सिकम है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो उसके बाद मैं ये मेयोनीज इसमें ऐड करूँगी। वैसे मैंने वाइट सॉस वाला पास्ता भी अपने चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड की है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी बन जाता है, तो टेस्ट वैसा ही आता है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मेरा पास्ता भी जो है वो बॉईल हो गया है, तो उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अब मैं सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें बॉयल्ड पास्ता ऐड कर दूंगी, बाकी सारी सीजनिंग ऐड करने के बाद। सीजनिंग में मैं सबसे पहले जो है वो ऐड करूंगी, ये मैंने ग्रेटेड मोज़रेला पिज़्ज़ा चीज़ लिया है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट टू टेस्ट, इसे भी मैं अब मिक्स कर लूंगी। जब आप चीज़ डालें तो अपनी जो गैस की फ्लेम है उसे आप बिल्कुल लो कर दें, नहीं तो आपका जो चीज़ है वो नीचे से लग जाएगा और उसकी जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जो 3 से 4 बड़े चम्मच दूध के ऐड करूँगी और इसे भी मिक्स कर लूँगी। अब मैं सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें बॉयल्ड पास्ता ऐड कर दूँगी, बाकी सारी सीजनिंग ऐड करने के बाद। इस तरह से अगर आप पास्ता बनाओगे तो आप बहुत ही ये क्रीमी चीज़ पास्ता रेडी होगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो अगर इस तरह से आप पास्ता ज़रूर बना के देखें और मुझे नीचे कमेंट करके बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका पास्ता कैसा बना। बच्चे को वेजिटेबल्स के अलावा कुछ भी दे दें वो इतने खुश होते हैं, बस उन्हें वेजिटेबल ना मिले खाने के लिए, तो ऐसी चीज़ें तो वो काफ़ी खुश होके खाते हैं।
इसे मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके फिर से कुक कर लूँगी। 2-3 मिनट के बाद देखिए ये पास्ता जो है वह कितना अच्छा कुक हो गया है। अब इसे मैं गर्मा गर्म जो है बच्चों को सर्व करूँगी। ये खाने में भी काफ़ी यम्मी बना है। अब मैं बच्चों के साथ इसे इंजॉय करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।